अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको फातिमा इफंदी के आने वाले ड्रामा सीरियल के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगर आप फातिमा इफंदी के फ़ैन्स हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए ही होने वाली है, क्योंकि फातिमा इफंदी ने ख़ुद ही अपने आने वाले मेगा ड्रामा सीरियल के अनाउंसमेंट कर दिया है। क्योंकि मुझे ख़ुद को भी इंतज़ार था फातिमा इफंदी के आने वाले किसी प्रोजेक्ट का, जो ड्रामा सीरियल करती हैं ड्रामा सीरियल को हिट ही बना देती हैं। रेटिंग क्वीन भी है और सोप सीरियल की क्वीन भी फातिमा इफंदी को ही कहा जाता है, क्योंकि फातिमा इफंदी ने हमें ऐसे ऐसे सोप सीरियल दिए हैं जो कि आज तक के रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, जिसमें मुनाफिक ड्रामा सीरियल फातिमा इफंदी का टॉप ऑफ द लिस्ट है। और मुनाफिक ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद और मेरे पास तुम हो के साथ तीन ड्रामा सीरियल की ऐसी लिस्ट में शामिल है जो कि टॉप हाईएस्ट व्यूड ड्रामा सीरियल ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री माने जाते हैं। तो फातिमा इफंदी का जियो टीवी पर एक न्यू ड्रामा सीरियल आने जा रहा है जिसका टाइटल होने वाला है मनमर्जी। ड्रामा सीरियल का टाइटल फातिमा इफंदी ने खुद कंफर्म किया और मैंने एक पिक्चर में स्क्रीनशॉट भी आपसे वीडियो में शेयर किया है, आप लोगों ने अपने मोबाइल पर देखा होगा। और फातिमा इफंदी के आने वाले ड्रामा सीरियल मनमर्जी में जो फातिमा इफंदी के कैरेक्टर का नाम होने वाला है वो है मनशा। मनशा का किरदार निभाएगी हमारी सोप सीरियल क्वीन फातिमा इफंदी। फातिमा इफंदी को कुछ लुक इस तरह से होने वाले जो कि बाग में बैठी झूला झूल रही होती है, और मैंने आपसे वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। तो मनशा आ रही है जियो टीवी की जल्द अज़ जल्द स्क्रीन पर, और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट वाले। ड्रामा सीरियल को हो सकता है कि हिन्ना हुमा नफीस ने लिखा हो और इसे डायरेक्ट सलीम घांची कर रहे हों, लेकिन कंफर्म नहीं है ना ही राइटर का ना ही डायरेक्टर का। कुछ ही दिनों में मेल लीड भी कंफर्म हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि इस दफ़ा फातिमा इफंदी के अपोजिट हमें खुशल खान देखने को मिले, ताकि हमारी जो विश है वो पूरी हो जाए। फातिमा इफंदी और खुशल खान दोनों ग्रेट की मिस्ट्री शेयर करेंगे, जैसा कि सबूर अली और खुशल खान ने मुश्किल ड्रामा सीरियल में एक साथ काम किया था। तो मेल जो लीड होगी वो अभी इंट्रोड्यूस होनी है, अनाउंस होगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। बाकी आप बताएं आप फातिमा इफंदी के अपोजिट कौन सा मेल अदाकार देखना चाहते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।